नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, बीएपी स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? बीएपी स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? ऑप्शन ए मानसिक स्तर का, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का, ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बीएपी स्किनर का टेंटोफोन व्यक्तित्व का आकलन करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? ऑप्शन ए शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, ऑप्शन बी अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, ऑप्शन सी श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन बिनी के अनुसार बुद्धि क्या है? साइमन बिनी के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए पहचानने तथा सुनने की शक्ति, ऑप्शन बी केवल सुनने की शक्ति, ऑप्शन सी केवल पहचानने की शक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साइमन बिनी के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, ऑप्शन डी समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना। वो अच्छा एक समस्या समाधानकर्ता तभी बन पाएंगे जब हम उन्हें मौका देंगे कि वो सामने आए और खुद अपनी समस्याओं का समाधान करे, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों के बीच वैयक्तिक भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? छात्रों के बीच वैयक्तिक भेद शामिल करने का आधार हो सकता है, ऑप्शन ए शिक्षण के कई तरीके, ऑप्शन बी आकलन के कई तरीके, ऑप्शन सी बहु आकलन, ऑप्शन डी एक और दो। तो छात्रों के बीच वैयक्तिक भेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, ऑप्शन डी परीक्षाओं की संख्या। तो खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्य अभिप्रेरणा में शामिल है? ब्राह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ब्राह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा भी शामिल है, पुरस्कार और दंड भी शामिल है और परिणामों का ज्ञान भी शामिल है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एक दो तीन और चार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेवेन का प्रगतिशील साँचा आरपीएम परीक्षण खालिस्थान परीक्षण का उदाहरण है? रेवेन का प्रगतिशील साँचा आरपीएम परीक्षण खालिस्थान परीक्षण का उदाहरण है, ऑप्शन ए मौखिक बुद्धि लब्धोक, ऑप्शन बी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धोक, ऑप्शन सी गैर समूह बुद्धि लब्धोक, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो रेवेन का प्रगतिशील साँचा आरपीएम परीक्षण
संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धों परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। ऑप्शन बी, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, सीखना कौशलों के संचय के समान है। ऑप्शन डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सीखने को सामाजिक प्रक्रियाएं सुविधा देती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। तो निम्नलिखित में से संवाद एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।